नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी दो चरणों के चुनाव खत्म भी नहीं हुए थे उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव अलग अलग जगह जाकर इस बात को बता रहे थे कि कैसे पहले दो चरणों ने ही यह तय कर दिया है कि गर्मी निकल चुकी है। वो इस बात का जिक्र किस बात को कहते हुए कर रहे थे वो मैं आपको बता देता हूं। तीसरे चरण में जो साफ तौर पर तीसरे चरण से पहले अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया कि बुंदेलखंड के लोगों ने एक तरीके से एक आखिरी मोहर इस पूरी की पूरी बात पर लगाएंगे कि कैसे जो है वो बीजेपी अब यहां से आगे नहीं बढ़ रही है सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि तीसरे चरण का जो चुनाव होगा जो बुंदेलखंड के लोग तय करेंगे वो उन्हें ठंडा कर देंगे, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। वो अलग अलग जगह जो चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, चुनावी रैलियां कर रहे थे, उसमें मोधा एक जगह पड़ती है, महोबा निश्चित तौर पर वहां पर है, हमीरपुर है, इसके अलावा झांसी है, यहां सारी जगह जाकर उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि बुंदेलखंड जो है वो ठंडा कर देगा सारी की सारी चीजों को। आपको पता है कि 28 जनवरी थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था मुजफ्फरनगर और कैराना को लेकर, जहां पर नायद हसन के समर्थकों को उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मैं मई जून की जो गर्मी है वो एक तरीके से उस वक्त पे भी यहाँ शिमला बनाने की जो कुव्वत है वो रखता हूँ। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई, अखिलेश यादव ने बयान दिया, जयंत चौधरी ने बयान दिया और गर्मी, चर्बी, इन सारे के सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन अब इसके आगे जब वो बढ़े यहाँ पर तो उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि कैसे जो है वो न सिर्फ इनसे आगे बढ़ते हुए उनकी सरकार आएगी तो न सिर्फ कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, जिस पर वो लगातार चुनावी प्रचार के दौरान सवाल उठाते रहे हैं बीजेपी की कि बीजेपी दावा करती है कि सब बेहतर हो चुका है, सब सुरक्षित हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बीच उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो चाहे वो डायल 100 सुविधा हो इसको भी एक बार फिर से बेहतर करेंगे और सुरक्षित बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। और इसके बाद जाते जाते उन्होंने जातिगत जनगणना का जिक्र किया जो उनके चुनावी प्रचार का एक मुख्य एजेंडा रहा है। वो चुनावी प्रचार के दौरान या उससे पहले भी जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरते रहे। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराएगी और वो ये भी कहते हैं कि इन सारे के सारे चीज़ों के बाद, चुनावों के नतीजों के बाद, बीजेपी ने जो नौकरियों पर आरक्षण में भेदभाव किया है वो इसे खत्म करेंगे और इसका जो एक मुख्य जरिया होगा वो यही होगा कि जातिगत जनगणना कराकर ये तय किया जा सके कि कहाँ कितनी नौकरियां दी जानी है। तो ये प्रमुख दो तीन बिंदु रहे। इसके अलावा उन्होंने किसानों पर भी बात की और काले कानून को लेकर भी, जो तीन काले कानून थे उसको लेकर के भी उन्होंने सरकार को घेरा। लेकिन कुल मिलाकर के जो दो तीन अहम बातें रहीं उनके चुनावी प्रचार की इन तीन चार जगहों में, उसमें निश्चित तौर पर एक वो जो गर्मी निकाल देने वाला बयान है उसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहा उनका। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, कानून व्यवस्था पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा और तीसरी बात जातिगत जनगणना को लेकर के उन्होंने बात की।